स्वागत है दोस्तों आपका इंडो कराटे फिटनेस चैनल में। मेरा नाम है कैलाश पांडे। हम लोग आज ये नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें कि हम लोग वेट लूज का ट्रेनिंग कराऊंगा मैं आपको। कराटे की बेसिक बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो होती है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जंप करेंगे दोस्तों। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, बहुत ही आसान है। मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट लेवल से कराऊंगा। आप मेरे साथ कंटिन्यू, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंप करना है दोस्तों आपको, मेरे साथ कंटिन्यू। ये आपको दोस्तों कंटिन्यू करना है कम से कम 1 या 2 मिनट तक। आप कंटिन्यू जंप कीजिए, मेरे साथ कीजिए। जितना मैं कर रहा हूं उतना आपको करना है, प्लस उसको इंक्रीज करते रहना है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर 1 मिनट रन कीजिए, फिर अगेन वीडियो को ऑन कीजिए। अब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, वो होती है फॉरवर्ड एंड बैक। लेग्स को आपको फॉरवर्ड लेके आना है और बैक लेके आना है। बहुत ही ईजी स्टेप से देखिए, 1 2 1 2। अब इसमें हम थोड़ा रिदम लेके आएंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों। स्टार्ट। सिंपल स्टेप्स हैं, आप कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़े से एरिया में भी। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 1 से लेकर 2 मिनट तक आप कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है दोस्तों, वो है हाफ लेग। आपको अपने ओपन करना है, हाफ लेग ओपन करेंगे सबसे पहले और राइट साइड को हम लोग टर्न करेंगे। देखिए लेग को मूव करना है, सेकंड हैंड को आपको थाई पे रखना है, यहाँ पर बैक ऑफ द थाई पे रखना है, फर्स्ट हैंड को थाई के ऊपर रखना है और हल्का हल्का आपको बैक हैंड से आपको पुश करना है थाई को दोस्तों, ऐसे। बहुत ही ईजी है, आप ऐसे पुश कीजिए। आप जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना नीचे तक जा सकते हैं, इसमें ईजिली आप आराम से नीचे तक जा सकते हैं। अपने आप को पुश करते रहिए। जैसे मैं तो थोड़ा और नीचे जा सकता हूँ, इतना मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। अगर आप भी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप यहीं तक इसको स्ट्रेच कीजिए। नाउ 2 सेम लेग्स मूव हो जाएंगे, हैंड वही, एक ये आप ऊपर आ जाएगा, ये आप बैक चला जाएगा, सेम वही पुश करना है दोस्तों आपको नीचे को। 2 में सिंपल है, 3 अगेन सेम, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। 3 आपको, आपकी बॉडी वार्म हो गई होगी, थोड़ा थोड़ा पसीना आने लग गया होगा, मुझे तो आ गया है, देखिए बहुत आसान है। 4 5 वेरी गुड, कंटिन्यू करेंगे। 6 पुश करते रहना है इसको, इसको पुश करना है आपको, हैमस्ट्रिंग में यहाँ पर आपको प्रेशर महसूस होगा, पुश करिए। 7 नाउ दिस साइड सेम, 8 बैक आपको बिल्कुल दोस्तों सीधी रखनी है, कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। 9 10 1 इसके आपको 4 रैप करने हैं, 2 तो मैं आपको करा रहा हूं, 2 आपको खुद करने हैं। 2 स्टार्ट, बहुत ही ईजी है। 3 नीचे और नीचे अगर जा सकते हैं तो। 4 5 6 7 8 9 10 नाउ सेंटर। तो दोस्तों ये मैंने आपको 20 रैप्स करा दिए हैं, ठीक है। 10 दिस साइड 10 दिस साइड, आपको ये मिनिमम 40 रैप्स करने हैं। चलिए वे फैट को लूज करने के लिए आपको पुश करना है। अब आपको दोनों हैंड्स आगे रखने दोस्तों, लेफ्ट लेग को हम लोग धीरे धीरे इसको बैंड करेंगे। स्टार्टिंग में अगर आपसे इसको पूरा एक्सरसाइज दोस्तों, देखिए ये है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज है, बट क्या होता है स्टार्टिंग में हम कंप्लीट नहीं बैठ पाते, तो आप ये हाफ करना है आपको। देखिए मैं आपको ऐसे लेके चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल, आज आपका फर्स्ट डे है तो मैं आपको वैसे लेके चल रहा हूँ, तो आप हाफ करेंगे इसको बैंड। 1 दिस साइड, 2 दिस साइड। देखिए दोस्तों पैर ऐसे मुड़ जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री का बन जाएगा। देखिए 3 अगेन सेम, 4 आपको थाई पे प्रेशर महसूस होगा,
फाइव सिक्स, इस पे हल्का हल्का बैठेंगे, सेवन, वेरी गुड, एट, वेरी गुड, नाइन, टेन, वन। अब हम लोग नीचे बैठेंगे, ठीक है, जो थोड़ा और बेटर कर सकते हैं इसको वो धीरे धीरे नीचे बैठेंगे ऐसे, कंप्लीट, टू पूरा ऊपर उठना है एंड देन डाउन, थ्री कंप्लीट एंड देन डाउन, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, सेंटर। दोस्तों मैंने आपको ये 20 कराए हैं, स्टार्टिंग में आप 20 ही कीजिए, बेसिकली आपको इस पे ध्यान देना है, यहाँ तक आपको बैठना है। अगर आप नीचे प्रॉपर नीचे बैठ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, तो आप रेप्स बढ़ा सकते हैं, लेग्स के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है ये। दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है पंचिंग, तो आपको लेफ्ट हैंड को आगे लेके आना है, दोनों लेगों को दोस्तों बिल्कुल पैरेलल कर देना है आपको, ठीक है, दोनों लेग बिल्कुल पैरेलल रहेंगे, लेफ्ट हैंड आगे करना है, बॉडी बिल्कुल खींची रहेगी और आपको ब्रीथिंग पंच करना है। स्टार्ट करेंगे वन, पूरा हवा भरना है आपको, नाउ इसको कंप्रेस करना है, वन, हम लोग हवा को अपने बॉडी के अंदर कंप्रेस करते हैं, जैसा आपने देखा होगा कुकर में सीटी आती है तो सेम वही है, आपने हवा इनहेल करनी है और उसको बॉडी को आपको प्रेस करना है, इनहेल में ही आपको प्रेशर जनरेट करना है और इजीली आपको पंच करना है, बस और कुछ नहीं है। देखिए दोबारा करेंगे मेरे साथ, वन, हाँ दोस्तों आपको एक्सेल जो होता है बाहर आपको जो एक्सेल करना है वो आपको प्रेशरली करना है, स्टमक पे प्रेशर पड़ना चाहिए, टू, आपको फील हो भी रहा होगा, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, यमे, रिलैक्स, डीप ब्रीथ करेंगे, टू। तो दोस्तों ये था इनहेल और एक्सहेल पंच होता है ब्रीथिंग का, हमारी बॉडी को इंटरनली स्ट्रांग करने के लिए। अब हम लोग लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड करेंगे दोस्तों, अब मैं आपको आज बेसिक कराटे का पंच कराऊंगा, बहुत ही सिंपल होता है, थ्री स्टेप में करेंगे इसको। आप देख सकते हैं हैंड ओपन कीजिए, वन, आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा मैंने बताया था ये, वन यहां तक लेके आना है इसको, एंड टू नाउ टाइटली, थ्री थंब से पंच को लॉक कर देना है, तो नाउ लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, आपके दोनों शोल्डर दोस्तों बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, ऐसे नहीं करना है आपको अपने शोल्डरों को, बिल्कुल रिलैक्स रखना है। नाउ स्टार्ट, वन, पंच, टू, देखिए बिल्कुल मेरे पंचेस को बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, ठीक है, थ्री, ये यहाँ पर आके लास्ट में रोटेट होता है, देखिए, ठीक है, लास्ट में रोटेट होगा, फोर, ये देखिए ये आ चुका है, अभी तक निकल रिलीज हो रहा है पंच, इसका इस पर ध्यान दीजिए आप, और लास्ट में जाके रोटेट होता है ये, यहाँ से पहले रोटेट नहीं होगा, ये गलत है, जब आपका पंच रिलीज होगा तो ऐसे ही जाएगा वो,
और लास्ट में रोटेट होगा, ठीक है, टू, और जब आप पुल बैक करेंगे इसको जब पीछे खींचेंगे तो ये हाफ रास्ते में ऐसे आएगा, हाफ एंड देन पीछे होते होते कंप्लीट रोटेट हो जाता है जब आप इसको पीछे खींचेंगे तो पंच को पुल बैक करेंगे तो। नाउ स्टार्ट पंच करेंगे अब हम वन। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ में दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सेकंड चीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक करके दोबारा आप लोग देखिए ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। वन, नाउ स्टार्ट पंच, टू, थ्री। स्टार्टिंग में जो आप 10 पंचेस करेंगे दोस्तों उसमें आपको पावर नहीं लगानी है, नॉर्मल मसल्स की एक्सरसाइज है वो। थ्री, तो नॉर्मल पंच आएंगे। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, के, फाइव और टेन पे आपको शाउट करना है दोस्तों। अब हम इसमें आप पावर एग्जर्ट करेंगे पंच में धीरे धीरे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, टेन, शाउट, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, के, शाउट। देखिए दोस्तों शाउट क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप भी करने लग जाएंगे रेगुलरली शाउट। शाउट देखिए बहुत सारे रीजन है शाउट के, मैं आपको बेसिकली दो बता देता हूँ। एक तो शाउट जितनी बार करेंगे उतनी बार आपका स्टमक हार्ड होता है, एकदम से एयर कंप्रेस होती है स्टमक पर, उतनी बार आपका स्टमक हार्ड होता है। और तो सेकंड चीज़ ये होती है कि आपका फर्स्ट वेपन होता है शाउट, जब आप पंच करेंगे किसी पे ये आपका पहला वेपन है, शाउट से सामने वाला डर जाता है। तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए वन, शाउट हम लोग क्यों करते हैं, टू, इसका मैंने आपको जवाब दे दिया, थ्री, फोर, पंच नहीं रुकने चाहिए, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो दोस्तों पंचेस करिए मेरे साथ दोबारा से, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। वन रुकना नहीं है दोस्तों, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। यमे, रिलैक्स। रिलैक्स करने का कराटे में सबसे इजी तरीका बताता हूँ आपको, आपको फाइव टाइम डीप ब्रीथिंग करनी है। मान लीजिए आप बहुत थक गए हैं, बहुत सारे पंचेस करने हैं आपने, तो आपको फाइव टाइम डीप ब्रीथ करना है। करना कैसे देखिए, वन, पूरा सांस अंदर भरना है, नाक से सांस भरनी है और मुंह से छोड़नी। नाउ डाउन, रिलीज इट, वन, डाउन, टू, डाउन, थ्री एंड डाउन, फोर एंड डाउन, फाइव एंड डाउन,